Do how are you? I hope you are doing very well at your home. Dear student, everyone open your English literature book, English ladder book. Today I am going to write difficult word meaning from chapter 3. पीटर डज नॉट लिसन टू हिज मम्मी। बच्चों आप सभी अपनी इंग्लिश लैडर की जो बुक है उसे खोल लीजिए। चैप्टर नंबर 3 पीटर डज नॉट लिसन टू हिज मम्मी मीन्स इस कोटेशन का मतलब है कि जो पीटर है वो अपनी मम्मी की बात नहीं सुनता। इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको हम राइट करेंगे, ठीक है? ओके, Now you will speak with me. COSY. Yes, COSY. Cozy. Cozy means aramdayak. Cozy means aramdayak. FIELD. 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 Field means maidan. GARDEN. Garden. Garden is bagicha. BASKET. Basket. Basket means tokri. NAUGHTY. Naughty. Naughty means sarati. Jaise ki tum log ho. COLLECT. Collect. Collect means ikattha. Ya fir ekatrit. Dono hi ho sakta hai. Quickly. Yahan pe Q hai. Quickly. QUICKLY क्विकली मीन्स होता है तेजी से या फिर शीघ्रता से, ठीक है? Yield, YELLED, yield means चीखा। SUPPER, super, super means रात का खाना। BITTER, bitter, bitter means kadwa. MEDICINE, medicines, medicine means dawaiyan. SQUEZED, squeezed, squeeze means nichoda hua. टूल शेड मीन्स जहाँ पे औजार रखे जाते हैं, औजार रखने का स्थान या फिर औजार रखने का कमरा। बम्प, BUMPED, बम्प। बम्प मीन्स टकरा गया, जब कोई दो चीज़ें एक दूसरे से टकराती है तो जो साउंड आता है बम्प। KEZ, कैस, कैस मीन्स पीपा या फिर कंटेनर जिसमें हम कुछ रखते हैं। PANT, pant, pant means तेजी से सांस लेना, taking breath fastly, ठीक है? फिर से एक बार हम इसे देखेंगे, एक बार फिर से आप मेरे साथ देखेंगे और बोलेंगे। Cozy, आरामदायक। Cozy, आरामदायक। Field, मैदान। Garden, बगीचा। Basket, टोकरी। Naughty, शरारती। कलेक्ट, इकट्ठा। क्विकली, तेजी से। यील्ड, चीखा। सुपर, रात का खाना। बिटर, कड़वा। मेडिसिन, दवाइयाँ। स्क्वीज्ड, निचोड़ा हुआ। टूल शेड, औजार रखने का स्थान। बम, टकरा गया। कैस, पीपा। PANT, पैंट। पैंट में तेजी से सांस लेना। तो ये तो हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स हो गए, ठीक है, फ्रॉम चैप्टर 3। और
चैप्टर नंबर थर्ड का ये पहला पेज है जिसे हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स। मैं इसमें की जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको स्पीक करूँगी। सो ऑल स्टूडेंट स्पीक विद मी, मेरे साथ सभी बोलेंगे। वंस, ओ एन सी ई वंस, वंस, लिव्ड, रैबिट, देयर, टी एच ई आई आर, देयर, देयर मीन्स होता है उनके, उनका या उनकी। नेक्स्ट, गोइंग आउट, मैकग्रेगोर गार्डन्स, मतलब मैकग्रेगोर गार्डन मीन्स होता है मैकग्रेगोर का बगीचा। तो मैकग्रेगोर गार्डन्स ये आपका डिफिकल्ट वर्ड हो गया। नाउ लास्ट पैराग्राफ ऑन दिस पेज, लिटिल, लिटिल मीन्स छोटा, बेरीज, बेरीज मीन्स छोटी छोटी जो बेरियाँ होती हैं, सून, एस डबल ओ एन, सून, सून मीन्स बहुत जल्दी से, बी ओ आर ई डी, बोर्ड, बोर्ड मीन्स बोर हो गया, एस टी आर ए आई जी एस टी, स्ट्रेट, स्ट्रेट मीन्स सीधा, ठीक है हो गया। फिर से मैं एक बार आप लोग को इसको पढ़ने जा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ऑलरेडी मैंने इस पेज को कल समझा दिया था, फिर एक बार मैं इसकी इंग्लिश पढ़ने जा रही हूँ, फिर लिसन केयरफुली। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज फोर लिटिल रैबिट्स, एक समय की बात है कि चार लिटिल रैबिट्स, फ्लॉपसी, मॉपसी, कॉटन टेल एंड पीटर, उनके नाम क्या थे, फ्लॉपसी, मॉपसी, कॉटन टेल एंड पीटर, दे लिव्ड इन अ कोजी रैबिट होल विद देयर मदर, और वे अपनी मदर के साथ एक बहुत ही आरामदायक होल जो था उसमें रहते थे। मीन्स एक बार की बात है कि एक जो है फैमिली थी, रैबिट्स की फैमिली थी जिसमें चार जो है भाई बहन थे, फ्लॉपसी, मॉपसी, कॉटन टेल और पीटर, उनके नाम थे, वो सभी अपनी मदर के साथ एक बहुत ही कंफर्टेबल होल में रहते थे। मीन्स वो अपने घर में बहुत कंफर्टेबल रहते थे। माय डियर लिटिल रैबिट, सेड मिसेस रैबिट वन मॉर्निंग, एक समय, एक मॉर्निंग की बात है कि मिसेस जो रैबिट हैं उन्होंने, मतलब उनकी माँ ने, बच्चों की माँ ने उनसे कहा, आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रही हूँ, यू मे प्ले इन द फील्ड, तुम सभी सिर्फ और सिर्फ प्ले करोगे कहाँ, इन द फील्ड, मैदान में, डोंट गो इन टू मैकग्रेगोर्स गार्डन, तुम में से कोई भी बच्चा मैकग्रेगोर गार्डन्स के बगीचे में नहीं जाएगा। यस मामी, सेड द रैबिट्स, रैबिट्स ने कहा हाँ मम्मी बिल्कुल जैसा आपने कहा वैसा ही हम करेंगे। देखिए पिक्चर, देखिए यू कैन सी पिक्चर, यहाँ पे हेयर मदर्स इंस्ट्रक्ट टू देयर चिल्ड्रंस डू नॉट गो मैकग्रेगोर्स गार्डन, यू विल प्ले ओनली इन द फील्ड, एंड रैबिट सेड यस मम्मी वी विल फॉलो योर इंस्ट्रक्शन। मिसेस रैबिट टुक हर बास्केट एंड वेंट टू द बेकर, उसके बाद जो मिसेस रैबिट थी उन्होंने अपने बास्केट लिया और लेने के बाद वो बेकर की शॉप पे चली गई। बेकर मीन्स वो जो बिस्किट ब्रेड बनाता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड बेकर। द लिटिल रैबिट्स वेंट टू द फील्ड टू कलेक्ट बेरीज, जो लिटिल रैबिट्स थे वो जो है कहाँ चले गए, मैदान में चले गए, और जो बेरीज थी मीन्स जो बेरियाँ होती हैं उनको कलेक्ट करने के लिए। नॉटी पीटर सून गॉट बोर, जो शरारती पीटर था वो बहुत जल्दी ही बोर हो गया। ही रैन स्ट्रेट टू मैकग्रेगोर्स गार्डन, और वो दौड़ करके मैकग्रेगोर्स गार्डन में चला गया, मतलब उसने अपनी मम्मी की बात नहीं मानी थी। आपको याद है मम्मी ने कहा था डू नॉट गो इन द मैकग्रेगोर्स गार्डन, मैकग्रेगोर्स के गार्डन में आपको नहीं जाना है। बच्चों ने कहा भी था कि यस मम्मी, लेकिन बच्चों ने अपनी मदर की बात को नहीं माना। मीन्स बच्चों में सबने माना, लेकिन जो पीटर था, चूँकि वो क्या था, ही वॉज वेरी नॉटी बॉय, ही वॉज वेरी नॉटी रैबिट, वो बहुत ही शरारती बच्चा था,
बहुत ही शरारती खरगोश था। वो जल्दी ही जो है बहुत बोर हो गया, उसको लगा कि अब तो यहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं है, और सीधा वो मैक ग्रे गॉर्स के गार्डन में भाग गया। ठीक है, तो आज मैंने फिर से आपको इस पेज को एक्सप्लेन किया और डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग दी। यू विल राइट डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग इन योर इंग्लिश कॉपी। 4 लाइन कॉपी में आपको लिखना है। वर्ड मीनिंग कैसे लिखेंगे? पहले आप वर्ड, जैसे मैंने आपको बताया कैसे, हाँ इसी तरीके से आपको हेडिंग डालनी है। पेंसिल से ही आप हेडिंग डालेंगे, पेंसिल से हेडिंग डालेंगे, पेंसिल से हेडिंग डालेंगे चैप्टर नंबर 3, पीटर डज नॉट लिसन टू हिज मम्मी, देन वर्ड एंड मीनिंग। उसके बाद आप एक साइड में वर्ड्स और उसकी हिंदी मीनिंग लिखेंगे। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आपको ये पिक्चर जो है वो प्रोवाइड भी कर दूँगी। ठीक है, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।